एलएनटी के नंबर्स आने वाले हैं। एक बार पहले शरद से समझते हैं कि नंबर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। शरद बताएं। जी बिल्कुल, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलएनटी के नतीजे आने वाले हैं मंडे को, और स्टॉक जो है ऑलरेडी रिएक्ट किया है, लगभग 9% जो है अक्टूबर के महीने में स्टॉक जो है ऊपर आया है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो FY24 एस्टिमेट्स में जो है लगभग 3 गुना पे है। अब याद रखिएगा, आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 14% का ग्रोथ का अनुमान है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। एबिटडा आंकड़ों में भी 15% का ग्रोथ है का अनुमान है, पैट में 31% का, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ी स्लाइट जो है मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिल सकती है या थोड़ी सपाट रह सकती है, लेकिन 11% के ऊपर रहेगी। लेकिन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए, वो रहने वाली कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने मिलती है मानसून सीजन के बाद। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लो का अनुमान है कि लगभग 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकता है। इसमें वाटर, बिल्डिंग फैक्ट्रीज और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट्स पे जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स भी मार्जिनली थोड़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन प्राइसेस जैसे एल्युमिनियम प्राइसेस, आपके कॉपर प्राइसेस और ये सारे अन्य प्राइसेस है, इनमें करेक्शन देखने मिली है। आपके जो पैट नंबर्स है यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि मेट्रो की जो प्रोजेक्ट है उनके हैदराबाद की, वहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग देखने मिल रही है, तो आप कह सकते हैं बॉटम लाइन नंबर्स पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। और ओवरऑल जो की मॉनिटरेबल्स रहने वाली है आगे जाते हुए, वो रहने वाली है क्या गाइडेंस रहेगी ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके, इन्फ्लोज कैसे आ रही है और प्राइवेट सेक्टर में कैसे कैपेक्स पिकअप किया है, और आखिर में कमोडिटी प्राइसेस का जो है इन्फ्लेशन कूल ऑफ और कितना इम्पैक्ट करने वाला है। ठीक है, सो ये तो एलएनटी के नंबर्स रहे। यहाँ पर एक व्यू तो शरद ने हमसे शेयर किया, लेकिन चार्ट्स पर किस तरह से दिख रहा है? रुचित, एलएनटी पर आप क्या ट्रेड लेंगे? ग्रेजुअल अपमूव हमने रिसेंटली देखी है कि भले थोड़ा स्लो मूवर रहा है, बट ग्रेजुअली स्टॉक प्राइसेस ऊपर की साइड ही जा रहे हैं, और अभी भी देखे तो ट्रेंड स्टॉक का शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव, क्योंकि आरएसआई ऑसिलेटर जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहेगा। सो आई थिंक यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, फ्रेश बाइंग भी करंट लेवल से डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रहा है, और नीचे जो सपोर्ट्स आ रहा है वो 1900 के आसपास आ रहा है, तो 1900 के नीचे स्टॉप लॉस और 2050 तक के नियर टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा प्रियंका, एलएनटी पे इसका 3 महीने का ग्राफ लिखे आइए। एलएनटी में मेरा ये व्यू है कि बहुत हिचक हिचक के लॉन्ग्स बन रहे हैं, आउटराइट लॉन्ग्स नहीं बने हैं। कैपिटल गुड्स इंडेक्स को भी इसने अंडर परफॉर्म किया है, और बाकी कमिंस, एबीबी ऑफ द वर्ल्ड जो दूसरे इंफ्रा कैपिटल गुड्स स्टॉक्स हैं उनको भी अंडर परफॉर्म किया है, तो चला हुआ नहीं है। इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन अहेड ऑफ द रिजल्ट बहुत कम है। अगर मैनेजमेंट ने आके अच्छी कॉमेंट्री दे दी, ऑर्डर बुक ग्रोथ की, कैपेक्स की, डोमेस्टिक कैपेक्स की या मार्जिन की, तो इसमें 150-200 रुपये का अपमूव बन जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मारुति जैसा स्टॉक हो सकता है, आप देख के काम कर सकते हैं, आपको पहले से पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ग्राफ देखिए, एग्जैक्टली अभी अपने लॉन्ग टर्म, थोड़ा और लॉन्ग टर्म लेके आइए 1 महीने का, ये उस लेवल पर आ गया जहाँ पर अटकता है। यहाँ से या तो ब्रेकआउट है या वापस 150 रुपये नीचे, और चांसेस ये हैं कि अगर कमेंट्री अच्छी आई, सिर्फ एक इशू है कि इसका जो ग्लोबल धंधा है वो ग्लोबल हेडविंड्स, एनर्जी प्राइसेस नीचे आने की वजह से इंपैक्ट होता है। अगर वो भी कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये ब्रेकआउट लेवल पे आ गया है। डिम्पी, बिल्कुल आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अपने प्रोड्यूसर को इशारा कर रहा हूँ कि एक बार जरा वो चार्ट दिखा दें, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं वो बात बिल्कुल जायज है यहाँ पे, कि उस जगह पर आ गया है जहाँ पे रुकता है, लेकिन इस बार इसने बांध तोड़ दिया, डैम तोड़ दिया, तो ये बात सच है कि बाढ़ जरूर आएगी, आपको दिखाई देगा, फिर ये 100% 31 दिसंबर के पहले। और मैं बोलूंगा कि एलएनटी दूसरा आईटीसी भी हो सकता है इस संवत का, तो थोड़ा सा ध्यान रखे जाए। ये हमने वो चार्ट आपके रखा है, ये आप बार बार देख, मेरे दिमाग में था ऑलरेडी, मैं दिखा नहीं पा रहा था आपको, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा व्हाइट और कर देता हूं कलर में, ताकि थोड़ा और अच्छे से आपको दिख पाएगा। और जब हमने मार्क किया हुआ है, ये वही रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे भी वापिस आ चुका है, लक्ष्मण रेखा पे है, 1, 2, 3 एंड दिस वन 4th। और मैं आपको बता रहा हूँ डिम्पी और प्रियंका, की मेरे को एक सेंस ये आ रहा है कि इस बार अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा 2200 रुपए की तरफ अग्रसर। लेकिन आपके पास पूरा टाइम है, आराम से देखिए, एनालाइज करिए, और मारुति जैसे गेंद एंजॉय करिए, कोई जल्दी नहीं है, पोजीशन है ही नहीं इसमें। मारुति में तो फिर पोजीशन थी, 200 रुपए चला था या 400 उसमें फिर थोड़ी पोजीशन थी, फॉलो अप बाइंग आई, इसमें पोजीशन अहेड ऑफ रिजल्ट्स है नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा है, कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी में 150-200 रुपए चल सकता है। इसका सेंस क्या रहेगा जिस समय कमेंट्री चल रही होगी या रिजल्ट आ रहा होगा, सबसे पहले क्या देखना चाहिए आपको? ऑर्डर बुक ग्रोथ और आउटलुक, नए ऑर्डर बुक के ऐड होने की संभावना, गाइडेंस जो मैनेजमेंट देता है आराम से, बहुत ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, शांति से आप
इसमें आपको मौका मिलेगा।